बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th। आज का हमारा लेक्चर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स होता है ऐसा फूड लेना जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट हो, जिसकी प्रोसेस से हम फूड में से वो न्यूट्रिएंट ले सकें और उससे हम एनर्जी ले सकें, जिससे कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस चलती रहें। उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसिकल, वी आर यूजिंग अप एनर्जी। मतलब हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे हम बाइसिकल राइडिंग कर रहे हैं, या हम वॉक कर रहे हैं, या एटलीस्ट हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी एनर्जी का कंजप्शन होता रहता है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी। हमारी जो बॉडी की स्टेट है उसे मेंटेन रखने के लिए एनर्जी चाहिए। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। मतलब हमें बाहर से कुछ मटेरियल लेने की आवश्यकता है इन फॉर्म ऑफ फूड, जिससे हम ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें और दूसरे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को जरूरी है। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, वो फूड जो हम खाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गन्स, बट इट्स फुलफिल इन डिफरेंट वे। मतलब एनर्जी की तो हर एनिमल को जरूरत है। जैसे जैसे कैटल्स वगैरह है, वो जो फूड लेते हैं सेलुलोज के रूप में लेते हैं। मतलब उनके जो कंपोनेंट होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ सिंपल लेते हैं, सम ऑर्गेन्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स के रूप में लेते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म मतलब कार्बन के रूप में, वाटर के रूप में। जैसे प्लांट है CO2+, H2, और सनलाइट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये तो हो गया सिंपल फॉर्म में, लेकिन कुछ ऑर्गेन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो है ना, टू टाइप का हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कौन कर रहा है? प्लांट कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोप। लेकिन जो प्लांट से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसे हेटरोट्रोप कहते हैं। जैसे एनिमल है, वो डायरेक्ट जो है ऑटोट्रोप पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे एनिमल इन एनिमल को खा जाते हैं, है ना, तो उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी हेटरोट्रोप, या उनको बोलेंगे कार्निवोर्स, ठीक है। दीज ऑर्गेन्स द ऑटोट्रोप इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रोप होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे साइनो बैक्टीरिया वगैरह, उन्हें कहते हैं नील हरित शैवाल, वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। अदर ऑर्गेन यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर वन। दूसरे जो ऑर्गेन होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो इसको सिंपल में चेंज कर लेते हैं। दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कोल्ड एंजाइम। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लिए हैं ना, उनको सिंपल में चेंज करने के लिए, मतलब डाइजेशन के लिए, इसको बोलते हैं डाइजेशन। कुछ बायो कैटलिस्ट हैं, उन्हें यूज करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंजाइम, ठीक है ना। तो एंजाइम क्या हुआ? वो हो गए बायो कैटलिस्ट। मतलब जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है ना, उसे वो जल्दी कर देते हैं। मतलब कम एनर्जी यूज करके ही डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। किसकी वजह से? एंजाइम की वजह से। दस द हेटरोट्रोप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप। अभी हमने देखा जो हेटरोट्रोप्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप पे ही डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रोप मतलब प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। मतलब एक तो वो एनिमल जो डायरेक्ट खा रहे हैं, दूसरे वो
जो इन एनिमल को खा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब डिपेंड तो किस पे हुए, ऑटोट्रोफ पे हुए ना। द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेन इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई। जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हेटरो मीन्स होता है डिफरेंट, ट्रॉपिक मतलब होता है पोषण के स्तर, ठीक है, तो उसमें एनिमल और फंगाई दोनों आ जाते हैं। जो फंगाई होते हैं ना वो प्लांट में आते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, और फंगाई जो है एनिमल या प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये हेटरोट्रोफ हो गए। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन आते हैं? प्लांट। अभी हमने देखा था कि जो प्लांट होते हैं वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 + H2O से क्रिया करके बनाते हैं C6H12O6, ठीक है, मतलब ग्लूकोज, मतलब फूड। ये कैसे होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो प्लांट है वो ओटू लेते हैं, सभी एनिमल या प्लांट रेस्पिरेशन में ओटू ही लेते हैं, और वो छोड़ते हैं CO2, और ये जो CO2 है ना ये यूज हो आती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। मतलब इस CO2 से जब H2 जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, यही होता है ग्लूकोज। दिस मटेरियल इज टेकन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमने हमेशा से छोटी क्लास से पढ़ा है कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 और H2O क्रिया करके बनाते हैं C6H12O6, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो ये कार्बोहाइड्रेट बने ना, इसी से प्लांट एनर्जी गेन करते हैं। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमिडिएटली आर स्टोर इन फॉर्म ऑफ द स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो बनती रहती है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे यूज हो जाए, जो एक्स्ट्रा होती है उसे स्टोर करके रखा जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे पैसे होते हैं ना, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना, जो भी एक्स्ट्रा होते हैं उसे हम डिपॉजिट करते रहते हैं कि कभी हमें इसकी आवश्यकता हुई एकदम से इमरजेंसी में तो हम इसे काम ले सकें। इसी तरह से जो ये एक्स्ट्रा फूड है ना, स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, और एनिमल में भी जो फूड होता है ना वो स्टोर किया जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है, इन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज एंड वेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और मतलब जो एकदम से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, और फोटोसिंथेसिस उस स्पीड से नहीं हो रही होती है, तो जो स्टोर्ड फूड है ना ये स्टार्च के रूप में, इसे यूज कर लेता है प्लांट। ए समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मतलब एनिमल में भी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फूड को स्टोर किया जाता है। तो ये है इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की, C6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है ना, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट अगर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब ये इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस स्टेप वाइज स्टेप होती है। कैसे? जब रेस्पिरेशन में जो CO2 निकलती है ना, उसे यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पहले देख लेते हैं ये क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। सेल के अंदर ना बहुत सारी सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं, उसमें प्लांट में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। मान लो ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ऐसे। तो जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है ना, ये कहीं कहीं से ब्रेकअप हो जाती है, और इस तरह से ना
सैक के लाइक स्ट्रक्चर इससे डिटैच होती रहती है और जब ये एक के ऊपर एक जुड़ती रहती हैं तो इस तरह से एक ग्रेना बनाती हैं और इस एक सैक को बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड और इस बहुत सारी थाइलेकोइड जब एक के ऊपर एक अटैच होते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेना। और बहुत सारे जो ग्रेना होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े होते हैं और जो थाइलेकोइड है ना इसकी मेम्ब्रेन पे मिलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट ठीक है, ये होते हैं ग्रीन कलर के। इनका काम होता है जो सोलर एनर्जी है ना उसको ट्रैप करना, ठीक, ट्रैप मतलब पकड़ना। तो जो सोलर एनर्जी इसे ट्रैप की है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, तो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में बहुत सारी क्या है एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी से H2O का स्प्लिटिंग होता है, H2O टूट जाता है H+OH आयन में, ठीक है ना। और जो ये हाइड्रोजन है यहीं से गेन करता है CO2 और कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6। तो मतलब पहला स्टेप क्या होगा, एनर्जी को ट्रैप करना बाय क्लोरोफिल। तो फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या हुआ, जो एनर्जी आई है ना उसका कहीं तो यूज होगा ना, तो उस एनर्जी का यूज होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये जो OH आयन टूटे हैं ना, ये OH आयन आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो इससे बन जाता है H2O+ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के स्प्लिटिंग से, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, टूटने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलते हैं। तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो ये CO2 है इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन आयन का जुड़ना। और ये जो हाइड्रोजन आयन कहाँ से निकले हैं, ये निकले हैं H2O से। तो इस H2O से जो ये CO2 है रिड्यूस हो जाती है और बदल जाती है C6H12O6, ठीक है ना। तो दीज स्टेप नीड्स नोट टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, मतलब ऐसा नहीं है ये एकदम से हो जाते हैं, इमीडिएटली मतलब तुरंत। फॉर एग्जाम्पल डेजर प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अब ये बात ना एक समझने की है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा धूप होती है, हॉट क्लाइमेट होता है, गर्म होता है। तो जो एक टाइनी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है ना पहले भी, नीचे लीफ की जो निचली परत जो होती है ना, लोअर लेयर जो होती है ना उसमें ज़्यादा प्रजेंट होते हैं टाइनी होल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमेटा, ठीक है ना, उसको स्टोमेटा कहते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। तो ये स्टोमेटा है ना, इससे CO2 और O2 एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जब ये खुलते हैं तो ये कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इससे जो है ट्रांसपिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का उड़ना, ठीक है, ज़्यादा धूप होगी ज़्यादा गर्मी होगी तो पानी ज़्यादा उड़ेगा, वैसे ही डेजर्ट है ना, पानी की तो वैसे ही कमी है। और कुछ स्टोमेटा ओपनिंग होने की वजह से और एक्स्ट्रा वाटर जो है इससे उड़ जाता है, मतलब पानी का और लॉस हो जाता है, इस तरह तो क्या है प्लांट मर जाएंगे। इसीलिए जो स्टोमेटा जो है ना ये खुले ना, इनको बंद रखा जाता है दिन के समय, और रात के समय क्या होता है स्टोमेटा ओपन होते हैं जिससे CO2 एब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और ये CO2 क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि सनलाइट नहीं है, ठीक है ना, सनलाइट नहीं है मतलब एनर्जी नहीं है। तो जो CO2 एब्जॉर्ब हुई ना रात के समय, इसको दूसरे जो इंटरमीडिएट होते हैं ना प्रोडक्ट उसमें चेंज कर लिया जाता है, जैसे मेलिक एसिड में, मेलिक एसिड में इसको चेंज कर देते हैं, मेलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और दिन के समय जो मेलिक एसिड है ना या ऑक्जेलिक एसिड है ये चेंज हो जाती है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता है, स्लो भी होता है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे एक कुछ डायग्राम दिखाए हैं, जो ये लीफ होती है ना, ये लीफ है, लीफ ये जो ऊपर की लेयर जो होती है ना, ये इसका सरफेस, इसको बोलते हैं लेमिना, लेमिना, ये लेमिना, ठीक है, या इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं।
और बीच में से जो एक मोटी सी वीन जाती है ना, उसको बोलते हैं मिड रिब। मिड मतलब बीच की, और जो बाकी मिड रिब से निकलती है उसको वीन बोलते हैं, सिंपल, ठीक है ना। और ये क्या है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम है ऊपर और ये फ्लोएम, दोनों को मिलाकर बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। और जैसे ये फ्लोएम है और नीचे जाइलम है और बीच में मिलती है कैम्बियम, ठीक है। ये डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ में ऐसा मिलता है। ये फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये है अपर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके ऊपर होती है क्यूटिकल, एपिडर्मिस के बाहर जो लेयर होती है ना, जो वो वैक्सी होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। इसके अंदर ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसे बोलते हैं पैलिसेड लेयर, ठीक है ना। ये इलोंगेटेड सेल होती हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसके नीचे होती हैं ये लूजली बाउंड होती हैं, है ना, और इसमें जो स्पेस होता है, एयर स्पेस भी होता है। और नीचे की जो लेयर होती है उसमें मिलते हैं ये पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये होती है लोअर एपिडर्मिस। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल नोटिस दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनिज कोल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, अभी हमने ये ऊपर देखा, ठीक है। विच कंटेन क्लोरोफिल, इसमें ही होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोस्ट्रेटेड दैट क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी 6.1, टेक ए पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड मतलब इसमें डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे ये लीफ है इसमें येलो एंड ग्रीन टू कलर है, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट एंड कैरोटोन्स, ऐसी लीफ होती है मनी प्लांट की। फिर सेकेंड स्टेप है, कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 डेज सो डैट ऑल द एब्जॉर्ब गेट यूज अप। पहले हमने डार्क रूम में रखा, क्यों रखा, ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो। इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है तो जितनी भी स्टार्च है उसे प्लांट यूज कर लेता है। स्टार्च मतलब प्लांट का रिजर्व फूड मटीरियल। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। उसके बाद उस प्लांट को फिर सनलाइट में रखते हैं 6 घंटे के लिए, ताकि दोबारा से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। फिर प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से एक लीफ तोड़ते हैं। मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। जो ये ग्रीन एरियाज है ना, मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इनको ट्रेस करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर डिप द लीफ इन ए बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट। फिर जो ये लीफ ली थी ना, इसे वाटर के अंदर बॉइल करते हैं। बॉइल क्यों करते हैं, क्योंकि जो सेल होती है ना वे एक दूसरे के बहुत एडजेसेंट होती हैं, मतलब कोई भी चीज़ उसमें आसानी से जा नहीं सकती है, वो इम्प्रेमेबल है, ठीक है। तो बॉइल वाटर से क्या होता है, जो सेल है ना ये डैमेज हो जाती है, मतलब मर जाती हैं, इनकी सेल वॉल एक दूसरे से हट जाती हैं, ताकि इसमें जो एल्कोहल और आयोडीन टेस्ट करेंगे ना वो ईजीली हो सके, ठीक है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। फिर क्या करते हैं, जो ये लीफ है ना उसे अल्कोहल में डिप करते हैं। एक बीकर लिया, उसमें अल्कोहल लिया और उसमें ये लीफ जो है डाल दी। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल। फिर क्या करते हैं, ये जो बीकर है ना इसे एक दूसरे कंटेनर में डालते हैं जिसके अंदर होता है वाटर, ठीक है, और इसको बॉयल करते हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जो अल्कोहल होता है ना वो वोलेटाइल होता है, बहुत जल्दी आग कर लेता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टच में नहीं रखते हैं हीट के, उसे वाटर के थ्रू मतलब इनडायरेक्टली उसको गर्म करते हैं। जब वो बॉयल होने लगता है ना तो जितनी भी क्लोरोफिल है ना वो डिजोल्व हो जाती है अल्कोहल में, मतलब सारी की सारी क्लोरोफिल जो है अल्कोहल में मिल जाती है। इसलिए जो कलर हो जाता है ना अल्कोहल का वो हो जाता है ग्रीन। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, वट इज कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो लीफ का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर तो निकल जाता है ना उसमें से, ग्रीन कलर निकल गया ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ये दूसरा, ये ग्रीन कलर निकल गया इसमें से। और जो सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, वो ग्रीन कलर हो जाएगा। एल्कोहल सोल्यूशन का कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, क्योंकि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो एल्कोहल में डिजोल्व हो जाते हैं। नाउ डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट।
फिर क्या करते हैं, इस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करते हैं, मतलब आयोडीन टेस्ट करते हैं। टेक आउट द लीफ एंड रिंज ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, ऑब्जर्व द कलर ऑफ ए लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। अब क्या करते हैं, जब आयोडीन टेस्ट किया ना, तो इस लीफ का कलर ऑब्जर्व करते हैं, पहली से कंपेयर करते हैं। पहली में तो क्या ग्रीन पेचेस बने हुए थे, उस जगह जहाँ पे ग्रीन पेचेस बने हुए थे ना, वो अब ब्लू में कन्वर्ट हो गए। मतलब जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो ग्रीन कलर तो क्या है कि बीकर में सारा निकल गया था अल्कोहल में, उसकी जगह कलर हो गया कैसा, ब्लू कलर। मतलब यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, जो स्टार्च है ना आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद कलर देती है ब्लू ब्लैक, मतलब यहाँ पे जो है स्टार्च प्रेजेंट है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ लीफ, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, मतलब यहाँ पे जो है ना इन पैचेस में पहले क्या थी, क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, इसका मतलब क्लोरोफिल ने फोटोसिंथेसिस करके यहाँ पे स्टार्च बना दिया है ना। इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत जरूरी होती है, उसी से ही क्या फूड प्रिपेयर होता है, और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। तो ये थी एक्टिविटी 6.1। इसके बाद क्या है देखते हैं, इसके बाद है ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।